हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक बॉटनी के। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड। एक फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड होता है। तो यह मॉडिफाइड होता है किसका? सूट का। जो फ्लावर होता है वह सूट का मॉडिफाइड पार्ट होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लोरल एक्सिस, जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे, उसे क्या कहते हैं? इनफ्लोरिसेंस कहते हैं। अगला, द इनफ्लोरिसेंस वेयर द मेन एक्सिस टर्मिनेट। ऐसा इनफ्लोरिसेंस जिसमें कि जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है, किस में हो जाती है? फ्लावर में, ठीक है। हैंस द लिमिटेड इन ग्रोथ। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये प्लांट गया, ऊपर गया, ये मेन एक्सिस है, ठीक है। मेन एक्सिस क्या हो गई? चेंज हो गई फ्लावर्स में, ठीक है। ये फ्लावर में चेंज हो गई और यहीं से और भी एक्सिस निकली और वो फ्लावर में चेंज हो गई, मतलब कि अब यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप का जो पूछ रहा है कि ऐसा जो फ्लोरिसेंस होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? साइमोज कहते हैं। जब दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा कि टर्मिनेट हो जाए, मतलब अब जो यह स्टेम है, जो स्टेम चेंज हुआ है सूट में, वह सूट अब आगे ना बढ़े, ठीक है, यहीं पे टर्मिनेशन हो गया, यह यहीं पे रुक जाएगा, इसके आगे ग्रोथ नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? साइमोज। और दूसरा होता है जो इसके बाद भी ग्रो करेगा, जैसे कि उसमें ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे गया, सूट गया, ठीक है, पहले यहाँ पे फ्लावर निकले, फिर यहाँ फ्लावर, फिर यहाँ फ्लावर, फिर यहाँ फ्लावर, फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, फ्लावर निकलते जाएंगे और, ठीक है, और उसके बाद जो सूट है उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, तो वह क्या हो गया? इनडिटर्मिनेट। यहाँ पर था डिटर्मिनेट मतलब साइमोज और इनडिटर्मिनेट मतलब रिसेमोज, रेसिमोज, ठीक है। तो दो तरह के हो गए थे, जो जिसमें नहीं लंबाई बढ़ती है उसे साइमोज कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच इनफ्लोरेसेंस द फ्लावर्स आर बॉर्न लैटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा ऐसा इन्फ्लोरेंसेस है जिसमें कि फ्लावर्स लैटरली बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने कहा था कि पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये लैटरली बॉर्न होते जा रहे हैं फ्लावर, और क्या हो रहा है? वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, एक्रोपेटल सक्सेशन उसमें हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है? ये लगातार बढ़ रहा है, तो क्या होगा? रेसिमोज टाइप हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, समझ में आ गया आपको रेसिमोज या साइमोज क्या होता है? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स कौन से होते हैं? तो देखो, जो एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होंगे वे कैसे होते हैं? जो भी फ्लावर होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो जाइगोमार्फिक और दूसरा एक्टिनोमार्फिक। जाइगोमार्फिक का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर, जैसे कि मटर का फूल, जाइगोमार्फिक सीधा समझो मटर का फूल, ऐसा फूल जिसमें कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उसमें कुछ ऐसा फ्लावर होता है ना। और अगर हम बात करें जैसे कि बैगन का फूल, ठीक है, या जो रोज रोज फ्लावर, वो तो आप सबको याद होगा, रोज फ्लावर हमेशा याद रहेगा। तो रोज फ्लावर में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होती है। हर एक पेटल जो होता है रोज फ्लावर का, जितना भी होता है, आप सबको बीच से डिवाइड कर सकते हो ना, अगर ऐसा हो तो सबको आप बीच से डिवाइड कर सकते हो। तो यह क्या हो गया? एक्टिनोमार्फिक या रेडियल सिमेट्री। तो फ्लावर्स दो तरह के जो हो गए, अगर फ्लावर्स की जो इन्फ्लोरेसेंस है दो तरह का हो गया, एक तो एक्टिनोमार्फिक और दूसरा जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री, एक्टिनोमार्फिक में रेडियल सिमेट्री। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? यहाँ पे रेडियल सिमेट्री, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, द फ्लावर इन विच द गाइनोएसियम ऑक्यूपाइड द हाइएस्ट। यहाँ पर इसको इरेज करने दो, यहाँ, हाँ, द फ्लावर इन विच द गाइनोएसियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन। अगर गाइनोएसियम हाइएस्ट पोजिशन पे है तो उसको कौन सी ओवरी होती है? सुपेरियर ओवरी। जब भी गाइनोएसियम हाइएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसे कौन सी कहेंगे? वह होती है सुपेरियर ओवरी, ठीक है। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहा है, सुपेरियर ओवरी की। अच्छा, ओवरी कौन सी होती है? एक तो सुपेरियर होगी, एक इन्फीरियर होगी, और दूसरी तीसरी कौन सी होती है? हाफ सुपेरियर, हाफ इन्फीरियर, ठीक है। तो इसी की बात कर रहा है कि जब यह सुपेरियर ओवरी हो, जबकि वाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो। सुपेरियर ओवरी में अदर पार्ट जो होते हैं वे नीचे होते हैं, ठीक है, जो स्टेमेन होगा, पेटल होगा, सेपल होगा, ये तीनों क्या होंगे? नीचे होंगे। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। क्या कहते हैं? हाइपोगाइनस। ऐसा हो कि पहले ओवरी हो, ठीक है, यहाँ मतलब ऐसे ऐसे ये ओवरी है, ठीक है, और इसके नीचे से स्टेमेन है, पेटल है, ठीक है, और सेपल है,
ठीक, तो यहाँ पर अगर ये ऊपर की तरफ है, ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो यह कौन सा हो गया, हाइपोगाइनस या सुपेरियर ओवरी। दूसरा अगर हम ये कहें कि ऐसा है कि बीच से, ठीक है, यहाँ पर निकला और इसी के बराबर, यह इसी के बराबर में एंड्रोसियम हो गया और इसी के बराबर में यह पेटल हो गया और सेपल हो गया। स्टेमन, पेटल, सेपल, ये सब कहाँ हो गया, उसके बराबर में, यहाँ ओवरी या ओवरी के बराबर में चल रहा है, तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस मतलब उसके बराबर में हो। तीसरा कंडीशन होता है कि जब ऐसा हो कि पहले ओवरी, ठीक है, ओवरी नीचे हो गई, सबसे नीचे ओवरी है और यहाँ से सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और यहाँ से स्टेमेन है, ओवरी नीचे है, ठीक है। तो जब ओवरी नीचे हो, बाकी सब ऊपर हो, तो वो क्या होगा, एपिगाइनस होगा। और इसमें यहाँ पर ओवरी नीचे है तो क्या कहेंगे इसे, इन्फेरियर ओवरी। समझ में आ गया यार, अब तो नहीं भूलोगे ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द ओवरी इज सेट टू बी, तो यहाँ पर लगा देते हैं इसको, ठीक, एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, रेडियल सिमेट्री हो गई, उसके बाद गाइनोसियम वाला सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी वाला क्वेश्चन है तो ये हाइपोगाइनस हो गया। अगला क्वेश्चन, द ओवरी इज सेड टू बी द इन्फेरियर, ओवरी को इन्फेरियर कब कहते हैं, जब फ्लावर कैसा हो, एपिगाइनस हो। यहाँ पर ऑप्शन सी, हाइपोगाइनस होगा तो क्या होगा वह, सुपीरियर ओवरी, पेरिगाइनस होगा तो क्या होगा, हाफ सुपीरियर ओवरी या हाफ इन्फेरियर ओवरी, और एपिगाइनस होगा तो क्या होगा, इसमें इन्फेरियर ओवरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन सेपल और पेटल इन ए रोल, जब सेपल और पेटल ऐसे हो, मतलब एक गोले में हो, ठीक है, सेपल या पेटल एक गोले में हो और एक दूसरे को सिर्फ टच कर रहे हो, मतलब कि ऐसे हो, ठीक, ये बात कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हो, ठीक है, मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, लेकिन एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, जब ऐसे होते हैं तो वे ओवरलैप कहलाते हैं। तो जब ओवरलैप न कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हो, तो वह कौन सा एस्टिवेशन कहलाता है, कौन सा एस्टिवेशन है, तो जब सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं तो वह एस्टिवेशन होता है वेलवेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन चार तरह के हो जाते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और इम्ब्रिकेट का ही पार्ट होता है वैक्जिलरी एस्टिवेशन, होता है क्विंक्यूनसियल एस्टिवेशन, ठीक है। तो इस तरह से चार तरह के एस्टिवेशन होते हैं। इम्ब्रिकेट में दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है और एक असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। तो जो डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है उसी को क्या कहते हैं, वैक्जिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक। तो जो वेलवेट एस्टिवेशन होता है, वेलवेट एस्टिवेशन, यह पाया गया मतलब सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को, पेटल हो या सेपल, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ टच कर रहे हो, तो वह वेलवेट है। और यह पाया जाता है सोलेनम में, मतलब कि आलू, सोलो का मतलब क्या है, आग, और आग में बनता है चोखा। चोखा किसका बनता है, आलू का, बैंगन का और टमाटर का, ठीक है, और किसका, मिर्चा पड़ता है। तो ये चार चीज़ें पड़ती है चोखे में ना, तो बस ये चारों किसके हो गए, सोलेनम के हो गए, याद रहेगा ना। सोला मतलब आग, आग मतलब आग में बनता है चोखा, ठीक। तो यह वेलवेट एस्टिवेशन, इसमें फ्लावर्स जितने भी होते हैं सब एक दूसरे को सिर्फ टच करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फोटो देख लो इसकी, आप इमेज समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट भी थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ट्विस्टेड का मतलब होता है सब एक तरफ से, उनकी एक मार्जिन, जैसे जो अगर रोज का फ्लावर ले लो तो फ्लावर में जो पंखुड़ियाँ होती है ना, एक एक, तो एक अंदर एक बाहर, एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर हो। तो जब ऐसा होगा कि एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर होगा, तो ऐसे ऐसे वाला बनेगा ना, तो इसको कहेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या कहेंगे, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है, जैसे देखते हो वह वाला फूल होता है ट्विस्टेड में आ जाता है, कनेर का फूल देखा है ना, कनेर का फूल, तो कनेर का फूल एक दूसरे को ऐसे घुमा हुआ होता है ना, तो वह आ जाता है ट्विस्टेड में। अगला होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको दिख जाएगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में पी फ्लावर, जो मटर का फूल है, ऐसे मटर का फूल क्या होता है, एक ऐसे होता है और फिर ऐसे दो होते हैं और एक पूरी तरह से ढका हुआ होता है, एक से पूरा ढक जाता है, ठीक है, और दो ऐसे होते हैं और एक नीचे वाला होता है। या फिर अपराजिता का फूल, नीला वाला फूल, अपराजिता या मटर का फूल, ये वाला आप देखोगे तो उसमें होता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन या वैक्जिलरी एस्टिवेशन सेम ही है। उसके बाद एक और आ जाता है जो हमने बताया था, क्विंक्विशियल एस्टिवेशन। क्विंक्विशियल एस्टिवेशन में क्या होता है,
कि दो बाहर होंगे, ठीक है, पेटल या सेपल जो हैं दो बाहर होंगे, दो अंदर होंगे, ठीक है, और एक वाला जो होगा दो ऐसे हो गए बाहर यहाँ पे और दो अंदर हो गए और एक ऐसे, एक बाहर और एक अंदर, ठीक है। तो 2-2-1 ए आता है क्विंक्यूशियल में आता है, ठीक है, क्विंक्यूशियल में आता है 2-2-1, दो बाहर दो अंदर और एक बाहर की तरफ। जबकि यहाँ पर देखो अगर हम बात करें असेंडिंग या डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की या वैक्जिलरी की, तो इसमें वैक्जिलरी में क्या हो रहा है कि एक बाहर है, एक के पूरी तरह से बाहर है, दो यहाँ पर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है, यहाँ पर एक अंदर की तरफ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, एक बार मैं टिक लगा देती हूँ आपको। एक्टिनोमॉर्फी रेडियल सिमेट्री हो गई, इसमें सेवन क्या था उसमें हाईएस्ट पोजीशन, तो ये हाइपोगाइनस हो गया, और दोवरे सेट ऑफ द इन्फीरियर एपिगाइनस हो गया, और यहाँ पे नाइन्थ क्या था वेलवेट बता रहे थे हम, ठीक है। तो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओवरी इज सेड टू बी इन्फेरियर। ओवरी को इन्फेरियर कब कहेंगे, तो कब कहेंगे एपिगाइनस फ्लावर में। एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी इन्फेरियर होती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन सेपल और पेटल इन ओवरऑल जस्ट टच, अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है, तो वेलवेट, वेलवेट हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन स्टेमेन आर अटैच टू द पेरियंथ, जब स्टेमेन क्या होते हैं पेरियंथ से अटैच होते हैं, ठीक। यहाँ पर बात कर रहा है कि जब स्टेमेन क्या है कि पेरियंथ से अटैच हैं, स्टेमेन फिर कहाँ चले जाते हैं, ठीक, पेरियंथ अटैच है, ठीक है, इन द फ्लावर ऑफ लीली, लीली के फ्लावर में, तो कंडीशन को क्या कहेंगे। तो देखो पेरियंथ से अगर रिलेट होगा तो क्या होगा, एपिफाइलस होगा, ठीक, फाइलस। अगर पेटल से स्टेमेन रिलेट होगा तो एपिपेटलस होगा, ठीक। तो यहाँ पर एक किसी आता है पेरियंथ से, मतलब नीचे से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, एपिफाइलस होगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड, यहाँ पर पहले रुक जाओ, हाँ, गुड ऑर्नामेंटल लाइक ट्यूलिप एम एंड ग्लोरियोसा बिलोंग्स टू द, जो ऑर्नामेंटल होते हैं वे किससे बिलोंग करते हैं, ऑर्नामेंटल जो भी फ्लावर्स हैं वे किससे बिलोंग करते हैं। तो ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो भी हैं, लीली फ्लावर किससे बिलोंग करता है, लीली किससे बिलोंग करता है, लिलियेसी से, और लिलियेसी का यूज क्या होता है, ऑर्नामेंटल के तौर पर होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, लिलियेसी, लिलियेसी में ही ट्यूलिप भी आता है। अगर दोनों का फ्लावर आप देखो, लिलियेसी का और ट्यूलिप का, तो एक जैसा ही है, तो आप इससे समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, द फ्लोरल फार्मूला, यहाँ पर दिया हुआ है फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला देख के आपको समझना है कि यह किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला है यह। तो देखो फ्लोरल फार्मूला को आपको अगर याद करना हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले शुरुआत देखो, शुरुआत में क्या हो रहा है, सबसे पहले परसेंटेज बना है, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, ठीक है, क्या होता है मतलब जाइगोमॉर्फिक, और जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बाईलैटरल सिमेट्री, क्या होता है जाइगोमॉर्फिक मतलब बाईलैटरल सिमेट्री। तो यहाँ पर हो गया बाईलैटरल सिमेट्री। अब बात करें हम सोलानेशी की, सोलानेशी का मतलब क्या होगा, आलू बैगन टमाटर ठीक मिर्चा। तो यहाँ पर आपने फ्लावर्स को देखे होंगे, ऐसे फ्लावर्स होते हैं, बैगन का फ्लावर याद है ना, बैगन का फ्लावर ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर सभी क्या हैं, ऐसे कट सकते हैं ऐसे, तो ये सब क्या हो गए, एक्टिनोमॉर्फिक हो गए। और एक्टिनोमॉर्फिक का निशान कैसे लगता है, यू यू, ठीक है, तो यहाँ पर वो निशान है नहीं, तो ये क्या हो गया, जाइगोमॉर्फिक हो गया, तो सोलानेसी तो बिल्कुल ही नहीं होगी, ठीक है। लिलियेसी फ्लावर भी ऐसा ही होता है, लिलियेसी का फ्लावर भी तो ऐसा ही होता है ना, उसके ऐसे फ्लावर, अब आज से फूलों को देखना शुरू कर दो, लिलियेसी भी नहीं होगा, ठीक है। अब बचा फैबेसी, और फैबेसी को क्या कहते हैं, लेग्यूमिनोज, तो लेग्यूमिनोज को क्या कहेंगे, फैबेसी, और इसमें कौन आता है, मटर, तो आ गया ऑप्शन ए। इसमें अभी परसेंटेज का निशान यानी जाइगोमॉर्फिक, और फैबेसी का होता भी तो है जाइगोमॉर्फिक, यू यू और यू, तो बस एक ही बार कट हो सकता है बराबर बराबर, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फैबेसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, यहाँ पर दिख तो रहा है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो ये नहीं, लेकिन फिर भी चलो इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर लिलियेसी हो गया, ये क्या हो गया, फैबेसी हो गया। अगला क्वेश्चन, मेडिसिन बेलाडोना इज ऑब्टेंड फ्रॉम ए प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली,
यहाँ पर पूछ रहा है मेडिसिन जो है बेलाडोना, बेलाडोना जो मेडिसिन होती है ना, बड़े काम की मेडिसिन है, इसका पार्किंसंस डिजीज जो होता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है, अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है, इसके जो कैरोटीनॉइड होते हैं उनका यूज किया जाता है बेलाडोना का पार्किंसंस डिजीज में। तो पूछा भी जाता है कि पार्किंसंस डिजीज में किस फैमिली के प्लांट का यूज किया जाता है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा प्लांट है जिसका यूज किया जाता है पार्किंसंस डिजीज में, तो वह कौन सा हो गया, बेलाडोना। और पूछ रहा है कि बेलाडोना किससे रिलेट करता है, तो इसका बेलाडोना का जो फ्लावर होता है, अगर आप फ्लावर देखोगे ना तो ऐसे फ्लावर होता है, इसका व्हाइट कलर का फ्लावर होता है और ब्लू कलर का इसका फल होता है, ठीक, ऐसे मतलब यहाँ बीच में होता है और ऐसे बना है। तो यह किसका, किससे दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि फैबेसी तो बिल्कुल नहीं होगी, या तो लिलियोसी होगी या फिर सोलेनेसी होगी। लिलियसी के जितने भी प्लांट आते हैं वे मोस्टली प्लांट क्या होते हैं, लिलियसी के प्लांट जो होते हैं वे ऑर्नामेंटल होते हैं, ठीक है, खूबसूरती के लिए मतलब सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। तो बच गया सोलोनेसी, इसके फ्लावर बड़े छोटे होते हैं। सोलोनेसी की एक खास बात भी है कि इसके फ्लावर छोटे होते हैं जबकि लिलियसी के फ्लावर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसके फ्लावर भी छोटे होते हैं, तो यह सोलेनेसी फैमिली का है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेन विद इन अ फ्लावर इज फाउंड इन। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फिलामेंट्स की लेंथ है वह किस में छोटी बड़ी होती है, तो आपको पता होगा जिस पौधे का आपने सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है, यूज किया है, किस में, प्रैक्टिकल में, लैब में सबसे ज़्यादा यूज किसका किया था आपने, सरसों के पौधे का किया था ना, तो बस सरसों का पौधा जहाँ है वही इसका आंसर होगा, तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन बी। फार्मूला से ही पता चलता है और साथ में जो फ्लोरल डायग्राम हम बनाते हैं उससे भी पता चल जाता है, जैसे कि हम कैलिक्स 4 लिखते हैं, एंड्रोएशियम 2+4 लिखते हैं, तो पता चल जाता है ना कि गाइनोएशियम 2 लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो पता चल जाता है ना कि कहाँ पे ऊपर नीचे कैसे है, तो यह हमें दोनों से ही पता चल जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत है एंड भी। अगला क्वेश्चन, विच फैमिली वाज अर्लियर कॉल्ड पेपेलियोनॉइडी, कौन सी ऐसी फैमिली है जिसे पेपेलियोनॉइडी कहते हैं, जो कि एक सब फैमिली है लेग्यूमिनोस की, तो लेग्यूमिनोस की पेपेलियोनॉइडी फैमिली जो है उसी को क्या कहते हैं, फैबेशी, क्या कहते हैं, फैबेशी कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सोर्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन का जो सोर्स है एलोवेरा जिसमें आता है, ठीक है, एलोए, वेजिटेबल एस्पैरगस, ठीक है, और कोल्चिसिन, कोल्चियम ऑटोमेनल्स, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिलिएशी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिकार्पेलरी, ठीक है, सिंकार्पस गाइनोएशियम, ओवरी सुपेरियर, ट्राइलोक्यूलर, ठीक है, मेनी ओव्यूल्स एंड एग्जाइल प्लेंसेंटेशन, यह किस फैमिली की खास बात है, किसकी खास बात है, ट्राइकैपेलरी, सिनकार्पस गाइनोएशियम, ठीक, और ओवरी कैसी है, सुपेरियर है, ट्राइलोक्यूलर है, और बहुत सारे इसमें ओव्यूल हैं, तो यह सब मिला के कहें तो यह बिलोंग करता है फैमिली लिलिएसी से, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा टैक्सोनॉमी, आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ आ गया होगा और अब इसमें आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।